चर्चित पूर्व विधायक मेवाराम जैन के खिलाफ जिस तरह से मामला दर्ज हुआ, पीड़िता हमारे साथ है, क्या है पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं एनडीटीवी से खास बातचीत में। बताएं किस तरह से ये मामला है, क्या हुआ है? ये मामला 5 सालों से हमारे साथ यही कर रहा है। मेरी की मेवाराम एमएलए साहब से कोई इसका दोस्त था जो मेरे घर लेके आया था मेवाराम को कि भाई मेरे ना मेरे साथ संबंध बनाया। वो मुझे पहले बेटी बेटी पर करता था, बेटी बनाई, फिर है ना मेरे साथ मुझे खुद को है ना खिला पिला के पहले मेरे साथ शोषण करा, फिर मेरे 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 भी फोटो खींच दिए उसने। फिर उसने ना क्या मेरे ना मेवाराम एक एमएलए है बाड़मेर का, उसके साथ भी संबंध बनाने पर वो 5 सालों से फिर मेरे साथ संबंध बना के फिर मेरे को पता चला भाई ये वहां पर अत्याचार करे। फिर मेरी एक छोटी मतलब मेरी फ्रेंड आती थी तो उसको भी है ना बेला भूसला के उसके साथ भी अत्याचार किया उसने, उसके साथ भी वो संबंध बनाए। मैंने मना करने के बाद उसके साथ संबंध बनाया, फिर मेरे से भी पेट भर गया उससे गया। फिर हमको बोला और छोटी लड़की लेके आओ 13 साल की, तो हमने नहीं ला के दी। हम उनके खिलाफ होने लगे तो है ना हमको है ना डराते थे, धमकियां देते थे, कहते को है ना बबरी वाला बबरी को मार के डाला, ऐसे मार के डाल देंगे सबको, मतलब बहुत डराते थे। आज कोर्ट में क्या हुआ और कोर्ट से आप संतुष्ट है या नहीं? मैं कोर्ट से संतुष्ट नहीं हूँ, कोर्ट ने मेरे को इंसाफ नहीं दिया। उसने उसको बोला कि आप जाओ 10 दिन इंतजार करो, अब 10 दिन इंतजार मैं नहीं कर रही, नौकरी गिरफ्तारी चाहती हूँ मैं। अब क्या करोगे आप आगे? और मैं आगे जाना चाहती हूँ और आगे, यहाँ से नहीं मिला फिर मैं और आगे जाऊंगी इंसाफ मांगने के लिए। तो ये है।